इमरान खान 15 जनवरी को जेल से रिहा हो जाएंगे। सब इमरान खान सबको आप जेल के अंदर रख नहीं सकते, जमानत इनके अंदर है। 9 मई में जो 9 मई में इलेक्शन जाने की बात करेंगे, आपके सामने आप किसको इतनी टेंशन है जो चाहता है कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो। ऐसी सारी मंसूबाबंदी बनी है चेयरमैन सेनेट के अपने ऑफिस के अंदर, उनके जो सदारत की है कोई हैसियत नहीं है ना, ना तो ये कोई कानून है, आईने पाकिस्तान कहता है 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट। सर लेकिन अगर इमरान खान लड़ने के लिए अहल होते भी तो भी क्या आप समझते हैं कि आप बराह रास्त इमरान खान को शिकस्त दे सकते थे इस हलके में? नहीं, मैं कभी भी नहीं समझता। खाना में जमानत हुई साइफर केस में, खान साहब गिरफ्तार, साइफर में जमानत हुई, अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार, अलकादर में अगर जमानत कल को हो जाती है किसी और केस में गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्ले का निशान है वो आप देखें किस वक्त फुटबॉल बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन से पिशावर हाईकोर्ट, फिर पिशावर हाईकोर्ट में अपील। नाजरीन, इलेक्शन डिले कराने के लिए बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई है, आखिर कौन है जो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने दे रहा? कौन सी ताकत है? आज लाइव शो में पीटीआई के सीनियर वकील अजहर सदीक ने साफ अल्फाज में बता दिया कि कौन है जो इस मुल्क में इलेक्शन डिले कराना चाहता है और क्यों करवाना चाहता है। हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कौन सी ताकत है जो इस साजिश के पीछे मुलविस है। आए पहले हसन अयूब, पारिस जानजेब और अजहर सदीक की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अजहर सदीक साहब, आपके ख्याल में इस करारदाद का मकसद क्या हो सकता है? और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो इलेक्शन को डिले कराने के हक में बिल्कुल नहीं है ना, आपने तो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया इस पे। बहुत शुक्रिया पारस, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम तो पिछले जनवरी से जब पंजाब और केपीसी की असेंबलियां तहलील कर रही थी, वो इलेक्शन के लिए कर रही थी, हमें पता था ये एजेंडा है। एजेंडा क्या था कि इनका, इन्होंने वक्त से पहले असेंबलियां आगे बढ़ानी थी एक साल के लिए, ये तयशुदा, ये हमारे सारे नॉलेज में जो कुछ हो रहा है ये हमारे लिए अनप्रेसिडेंट, आम लोगों के लिए हो गया, हमें पता है ये सारा कुछ किया। अब हम समझ आ जानी चाहिए हमने वक्त से पहले असेंबलियां क्यों तहलील की, इसलिए कि इलेक्शन मिल जाए, ये इलेक्शन नहीं लेना चाहते। और ये तारीख की गैर कानूनी और गैर आइनी निकले 90 दिन से ज्यादा हो गए, कोई भी बता दे पंजाब, यानी जब आए थे ना पंजाब का वजीर आला, मुझे अच्छी तरह याद है, चंद दोस्तों ने बताया, वो तो कह रहा कि मैं 90 दिन के लिए तो आया ही नहीं हूँ। निगरान वजीर आजम अगर लंदन वगैरह में गए, उन्होंने भी वहां पर जाकर इनके सबसे पूछ रहे निगरान के, और ये हम सबके सब दोस्तों को बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो जिन्होंने करारदाद की मुखालिफ की अजहर सदीक साहब, वो क्यों खामोश रहे उस वक्त में? कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की गई? पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी वहां पर मौजूद थे, तो खामोशी की वजह क्या थी? क्या खामोशी को फिर देखे ना कुछ लोग रजामंदी समझेंगे, या फिर कोई सेनेट में बैठने के हवाले से कोई मजबूरी थी? सर नहीं, देखिए एक बात है ना पारस, पहली तो बात है इस करारदाद की है कोई हैसियत नहीं है, है ना, ना तो ये कोई कानून है, आईने पाकिस्तान कहता है 90 दिन में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि वो अपनी बीवी से बात कर ले, हाँ। क्या सराय पे बात नहीं करनी, पत्थर पे लकीर है, ये मैं नहीं बात कह रहा। अब अगर देखा जाए तो ये अगर करारदाद पास किए तो ये तौहीन अदालत के जिम्मे में भी आती है। जब सवाल कर रही हूँ, कोरम की निशानदेही कर देते ना, खामोश बैठे रहे वो वहां पे। देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, आप जरा आप यू भी स्ट्रेटेजी ले सकती हैं, ये चेहरे भी तो बेनकाब करने हैं ना, कि अंदर से क्या है, इनकी बदनीति क्या है, यानी ये तो अब सारा कुछ सामने आ गया ना, को हमने तो फेवर ही ना की, हम तो इलेक्शन था ना बाइकआउट की बात करेंगे और ना इलेक्शन जाने की बात करेंगे। आपके सामने आप किसको इतनी टेंशन है जो चाहता है कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो? देखिए 14 की 14 सियासी जमातें बिशमूल तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान, बुनियादी तौर पर ये सारी सियासी जमातें क्या चाह रही हैं, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नीचे गिराने की, उन्होंने केसेस कर लिए, तोशाखाना आ गया, फिर हमने देखा प्रोविडेंस आ गया, तोहीन इलेक्शन कमीशन आ गया, इंटर पार्टी इलेक्शन आ गए, बल्ला ले लिया, अब क्या रह गया, फिर अपना आरओ साथ मिलाकर खेल लिया, तकरीबन 95% के करीब कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, ये तो इनका मसला है, ये चाहिए चाहते हैं ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नीचे फेंकना, था वो नहीं हो सका। और मैं बता दूं आपको, ये और 13 जनवरी तक का ये सारा प्रोसेस है, 13 जनवरी के बाद तो इनके पास रह ही कुछ नहीं जाना है, और मैं 8 फरवरी का इलेक्शन देख रहा हूँ, और अगर नहीं होंगे इलेक्शन तो फिर सवाल करेगी कौम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी। हम कह रहे हैं, मैं तो पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, उसका फैसला भी अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का, वो फैसला भी आपके सवाल से पहले लगता है कि वो खुद ही इसके ऊपर नोटिस ले लेंगे। ठीक, हसन अयूब साहब, आपके ख्याल में इस करारदाद का क्या मकसद हो सकता है, जबकि चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि इंतखाबात पत्थर पे लकीर है? कोई टेस्टर वेस्टर तो नहीं था? ये टेस्टर था लेकिन टेस्टर लगाया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने, जितने उनके लाइक माइंडेड उनका पूरा ग्रुप है सेनेटर्स का, तमाम के तमाम वही लोग हैं जिन्होंने ये सब काम किया, ये वारदात थी। पता था कि कौन क्या क्या बोलेगा, उन्होंने सबको खुल के बोलने का मौका दिया। पहले से सारी मंसूबाबंदी बनी है चेयरमैन सेनेट के अपने ऑफिस के अंदर, उनके जो सेक्रेटेरिएट है उसमें शामिल था, इन्होंने जो टाइम रखा तकरीबन इनका एजेंडा मुकम्मल हो चुका था। इम्पैक्ट क्या होगा, आपने शुरू में कहा कि हाँ टेस्टर हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये है कि जितना बैकलैश आ चुका है मेरे ख्याल से अब आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर का नोटिस नहीं लेगी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो इवान है, इवान के अंदर जो भी उसका काम होता है वो बेसिकली खुद मुख्तार है सुप्रीम कोर्ट के दायरेख्तियार में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट जाने का, इलेक्शन कमीशन भी आईनी जो मर्जी करे लेकिन उसका इंपैक्ट को नहीं है, यानी इन सेनेटर्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता। प्रोफेसर साहब, आपने ये NA89 से इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज किए
और आपने ये एतराज़ उठाए कि वो तोशाखाना में सजा याफ्ता हैं इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है, और आपके इन एतराज़ पे आरओ ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी है। अब आप क्या समझते हैं कि फिर आपके लिए मैदान बिल्कुल साफ हो गया है? नहीं नहीं, फारस मैदान साफ नहीं होता, हमारे मुकाबले में तो नून लीग इलेक्शन लड़ रही है वहाँ पे। सर लेकिन अगर इमरान खान लड़ने के लिए अहल होते भी तो भी क्या आप समझते हैं कि आप बराह रास्त इमरान खान को शिकस्त दे सकते थे इस हलके में? नहीं, हम मैं कभी भी नहीं समझता कि हम उनको शिकस्त दे सकते, लेकिन मेरा एक पॉइंट क्लियर था कि हम मुकाबला में जरूर करूँ, क्योंकि अगर मैदान में मैं आया हूँ तो मैं अपने स्टैंड के साथ, मैं अपने रीजन के साथ, और जो मेरा नैरेटिव है और जिस बुनियाद पर मैं आया हूँ मैं उस पर कायम रहूंगा, और चाहे शिकस्त और जीत और हार नहीं, मुझे ये पता है कि मैं किस लिए मैदान में आया हूँ और मैं कौन सी पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर मैं। सर लेकिन आई एम हैप्पी आपने बड़ा जवाब दिया है, आपने बिल्कुल सही, मतलब एक जो बात होनी चाहिए और जो सामने भी है आपने वो ठीक है, लेकिन सर छुपाने वाली चीज ही नहीं है। इनका जो बल्ले का निशान है वो आप देखें कि इस वक्त फुटबॉल बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन से पिशावर हाईकोर्ट, फिर पिशावर हाईकोर्ट में अपील, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कभी इनको बल्ले का निशान मिल जाता है, कभी इनसे वापस ले लिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है रोखड़ी साहब वो बिल्कुल दुरुस्त है और इनको पीटीआई को बल्ले का निशान बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। देखें पारस, मैं कई दफा मिसाल देता हूं कि मोटरवे की स्पीड है 120, अगर मैं कर रहा हूं 200 पे तो मुझे चालान होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन बोगस तरीके से जब कराए जाएं तो वो चैलेंज भी होंगे और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, और यही पेनल्टी है जो इलेक्शन कमीशन लगाएगा। अब या तो ये बहुत स्मार्ट होते कि चीजों को बहुत पूरा करते, जैसे हमारे कल्चर के अंदर है, हमारे अंदर कौन सी एथिक्स इस लेवल पे पहुंची हुई है, हम ये कहें कि जी आपने एक बोगस इलेक्शन कराया और लोग खड़े हो जाएं कि आप ये बेईमानी क्यों कर रहे हो, बद्यांती, बेईमानी तो नहीं बद्यांती क्यों कर रहे हो, और वो इदारे का साथ दें। या तो इदारों को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है और उनको हमेशा इस तरीके से पेश किया जाता है जैसे उन्होंने लॉ इंप्लीमेंट करके भी जुर्म कर दिया, और जुर्म करने वाले का जुर्म को जुर्म समझा नहीं जाता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 100% बोगस हुए जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने वो अभी भी ये एतराज उठा रहे हैं, इलेक्शन से दूर रखने या फिर जीतने से रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन अज़र सदीक साहब, मैं आती हूँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे, लेकिन आप ना चंद दिनों से टीवी के ऊपर एक दावा कर रहे हैं कि इमरान खान 15 जनवरी को जेल से रिहा हो जाएंगे, ये दावा किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं आप? इमरान खान साहब की तोशाखाना में एक ही सजा है जो सस्पेंड हो चुकी हुई है, कन्विक्शन पे हमारी चल रही है। आप जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुई है, दो बातें तो नजर आ गई कि उनके जो कागजात नामजदगी है सेकेंडरी में जिस तरह हल्का बदलिए फाइनल हो गई थी, फिर हाईकोर्ट में एक ऐसी मामला आया उसको बजाय सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के उन्होंने हल्का बंदियां तब्दील कर दी, तो वो तो हम जीत जाएंगे। जहां तक मामला नाहली वाला है उसमें भी बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, इंशाल्लाह इमरान खान इलेक्शन को लड़ेंगे। अब दूसरी बात है बदनीति और मेलाफीडी को अपनी जगह रखे, लेकिन इख्तियारात से तजावुज आपके सामने, तोशाखाना में पता नहीं क्या कुछ निकालना है कुछ की। पहले इलेक्शन कमीशन था, फिर ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद नैब आ गया और आप सब लोगों के सामने दूसरे करप्शन के पहाड़ खत्म कर दिए। सवाल बड़ा 190 मिलियन में पैसा सारा आ गया, कोई केस नहीं, अलकादर में ट्रस्ट करा है सामने, तो शाखाना में 1 रुपए का फ्रॉड नहीं, और खुद यानी वैल्यूएशन कहां से निकाल रहे हैं, जाके दुबई से। अब दादा तो लगा आपको यकीन है जनवरी को इमरान खान जेल से बाहर होंगे? जी, बड़ी के साथ बता दूं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं कि इन सब में इमरान खान साहब को आप जेल के अंदर रख नहीं सकते हैं, जमानते इनके अंदर है। 9 मई में जो 9 मई वाले वाक्य थे उसमें इमरान खान साहब तो ना कोई कसूर उनका, ना कोई कंसर्न, तो और इलेक्शन दिलाएंगे ये बिल्कुल 15 जनवरी के बाद बाकायदा इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, जलसे जुलूस हो रहे होंगे, इलेक्शन का माहौल बना होगा, और इंशाल्लाह ये मुल्क जो है जमहूरियत की तरफ गामजन होगा और नए इलेक्शन से नई हुकूमत इक्तदार में आएगी। अभी रोखड़ी साहब ने एक बात की उसका और जवाब, आप लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन टेक्निकल बुनियादों पर आपको जो है वो चित करने की कोशिश कर रहा है, आपकी जमात को निशाना बनाया हुआ है। सर ये बताइए कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्या थी फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की? 20 दिन आपके पास थे तो फिर एतराज दूर करके इलेक्शन करवा लेते ना आप, ताकि इलेक्शन कमीशन को कोई बुनियाद ही ना मिलती, या आपने सोचा नहीं कितनी छानबीन करेंगे वो बारीक बीनी से? नहीं, वो असल प्रॉब्लम है कि हमें तो पता है, हमें हमने जितनी की छानबीन कर सकती सब छानबीन के बाद, हमें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने ये करना है। देखे ना, इलेक्शन कमीशन पिछले 2.5 साल से एक ही सियासी जमात है ना, प्रॉपर्टी फंडिंग, तोशाखाना, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन जिसमें फर्दे जुर्म आयद होगी, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर बल्ला ले लिया, और सेक्शन देखे ना आप किसी पार्टी बेसिकली पार्टी को बैन कर दिया ना, यानी आप निशान तो उनके हाथ से चला गया। सोशल मीडिया पे मुबालगा आराई आप करते हैं, आप लोगों ने एक महीना शोर किया, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, मुबालगा आराई की बात नहीं है, आपके कागजात नामजदगी जमा हुए, फिर आपने कहा 90% कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए, डेटा तो पता चला 76% कागजात नामजदगी आपके मंजूर हो गए और 24% मुस्तरद हुए। नहीं, मैं फिर बता चलूं, वो जनरलाइज की बात हो रही है। अच्छा। हम लोगों ने 2600 कागजात जमा करवाए थे। अच्छा। उसमें से 1000 के करीब जो है ना, 1000 के करीब नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्टेड हैं। आपने अज़र सदीक और हसन अय्यूब की गुफ्तगू सुनी, अज़र सदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने तोशाखाना केस बना के देख लिया, सैफर केस में भी देख लिया, और अलकादर ट्रस्ट में भी
जब इन्हें कुछ ना मिला और ये हर तरह से इमरान खान को दबाने में नाकाम रहे तो अब ये करारदाद लेकर आ गए हैं ताकि इलेक्शन को ही डिले कर दिया जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो मर्ज़ी कर लें ये किसी भी सूरत इमरान खान को नहीं दबा सकते, क्योंकि इमरान खान के साथ 90% आवाम खड़ी है और इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म देखना चाहती है। यही वजह है कि इनको अब अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और अब ये इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं। अज़र सदीक ने कहा कि अब ये सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है, वो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन मुखर कराने के मतलब अगर किसी को कोई बात करनी है तो अपनी बेगम से जाकर करे, बाहर किसी से डिस्कस ना करें। अज़र सदीक ने कहा कि अब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर कितना अमल कराती है। नाज़रीन, आपको 8 फरवरी के इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।